नमस्कार दोस्तों, आज के इस करेंट अफेयर्स वाले सेशन में आप सभी का स्वागत है। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला परागकण पार्क पोलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड राज्य में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। थीम क्या था इसका? मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? ओंकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों, किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की? लखनऊ नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले जेपीएससी के एग्जाम में ये सारे प्रश्न में से मुझे उम्मीद है कि एक दो प्रश्न आ सकता है, तो ये पूरा सेशन देखिएगा। पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट का को किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी जी ने, परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, पक्षी महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया? सड़क परिवहन मंत्रालय ने। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तमिलनाडु में। वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? थियोडोर बस्करन ने। नेक्स्ट है, 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया? हैदराबाद वो शहर है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान रखिए वर्ल्ड का खिताब शहर चुना गया। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? लक्षद्वीप। और इम्पोर्टेंट प्रश्न एक और है, अशफाकुल्ला एवं प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? तो इसका आंसर होगा गोरखपुर में। गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं, वहीं से सांसद थे, हालांकि अब तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बट एनीवे। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग, अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया? तो फ्रांस है। तो ये सारे प्रश्न हमने देखे और आज का इतने सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आज के लिए, बाकी आप इतने सारे प्रश्न आप खुद देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं इसको कंटिन्यू रख सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।